जगह भाई उठो, सुबह हो गया है। जगह भाई लगता है जगह भाई चल बसे। भाई लगता है जगह भाई रात में नाश्ते नाश्ते पार तो नहीं ना हो गए। आईफोन 15? जगह भाई आपके पास है आईफोन 15 और आपने मुत मुत के गंधा दिया हेलेंद्रा। इधर आओ, खाने में क्या है, मेन्यू लाओ। जग्गा भाई आप होटल में नहीं हैं? कोई बात नहीं, रात भर नाच नाच के हो गए हम बीमार, बनेगा खिचड़ी क्योंकि आज है शनिवार। खिचड़ी ठीक है जग्गा भाई, बना के लाते हैं। अरे साला हमको तो खिचड़ी बनाने आता ही नहीं है। जग्गा भाई हमको खिचड़ी बनाने नहीं आता। इतना बड़ा हो गया घोड़ा जैसा, खिचड़ी बनाना नहीं आता। सुनो, एक गिलास चावल, एक गिलास दाल, दो गिलास पानी, यही है खिचड़ी बनाने की कहानी। जा बनाओ। ठीक है जग्गा भाई, समझ गए। जग्गा भाई आपसे काम था। क्या काम था? ये आदमी को रास्ते से हटाना है। काम हो जाएगा, कीमत 50 लाख। पैसे का टेंशन मत लो, तुम भी काम का टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। ठीक है, जाओ घोड़ा निकालो। जग्गा भाई पंखा खोल ले क्या, वरना चोरी हो जाएगा पंखा। ठीक है तुम वहीं पे रहो। ठीक है। उसको रास्ते से हटा दो। ठीक है जग्गा भाई। बचाओ बचाओ बचाओ। जग्गा भाई हटा दिए, बहुत अच्छे। हेलो, कौन? जग्गा, काम हो गया तुम्हारा, उसको रास्ता से हटा दिए। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर कर दिए, चेक कर लो। ठीक है। ये भूरा खिचड़ी बना के नहीं रे। जग्गा भाई 2 घंटे से खिचड़ी बनी नहीं रहा। क्या अभी तक नहीं बना? नहीं, एक गिलास चावल, एक गिलास दाल, 2 गिलास पानी डाला था। हाँ जग्गा भाई डाले थे, दिखा लो देखो। जाओ उसको मिक्स करके बनाओ। ठीक है जग्गा भाई। जग्गा तुमने मुझसे झूठ बोला, वो आदमी तो अभी तक जिंदा है और घूम रहा है। तुमने बोला था उसको रास्ता से हटाने के लिए, मैं उसको रास्ता से हटा दिया। रास्ता से हटाने का मतलब था जान से मार देना। जग्गा एक काम दोबारा नहीं करता है। रखता हूँ चाकू, मेरा नाम है जग्गा डाकू, इसको भी हटा दो। हेलो जग्गा भाई, आपसे एक काम था। हर काम जग्गा से शुरू होता है, जग्गा पे ही खत्म हो जाता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो जग्गा ना कर पाए। ये बता तुम्हारा क्या काम है? जग्गा भाई मेरे पिछवाड़ा भी धो दोगे क्या? जग्गा भाई आज शाम को एक ब्रीफकेस का डील होने वाला है और वो ब्रीफकेस मुझे चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है काम हो जाएगा, कीमत 50 लाख। 50 नहीं 30 लाख रुपए देंगे। जग्गा का एक ही उसूल है, काम करता है पूरा, पैसा नहीं लेता अधूरा। ठीक है 50 लाख देंगे। ठीक है काम भी हो जाएगा। सुनो एक काम को अंजाम देना है, क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ हम लोग तैयार हैं। ये काम सिर्फ काना भाई ही कर सकते हैं और उनको जेल से छुड़ाना ही होगा। चलो।
छोड़ो, एक काम को अंजाम देना है, चलो चलो जग्गा भाई। पंखा चोरी नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह, इंडिया में कितना हरियाली होती, हमारे यहाँ तो सिर्फ बालू होती। तुम लोग कौन होती और हमको क्यों पकड़ती? जग्गा भाई, लगता है जेंडर प्रॉब्लम। मैं रखता हूँ चाकू। मेरा नाम होती जग्गा डाकू और हम लोग तुमको लूटने आती, और तुम कौन होती? मैं दुबे का शेख मोहम्मद होती। ब्रदर, तुम लोग यहाँ हमको लूटने आती, रुको अभी शाहरुख और सलमान को फोन लगाती। शाहरुख भाई जान, मैंने सुना था इंडिया सोना का चिड़िया होती, यहाँ सिर्फ 3-4 कौवा दिखती, हमको फौरन हेलीकॉप्टर मांगती, मैं दुबे के लिए रवाना होती। आज के बाद इंडिया कभी नहीं आती, फौरन दुबे के लिए निकलती। सामने देखो, और है काना भाई। जग्गा भाई, वहां तो पुलिस है, काना भाई को छोड़ेंगे कैसे? काना भाई को छोड़ाने के लिए इन लोग को ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, सोचो कुछ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जग्गा भाई, पंखा चोरी हो गया। क्या, पंखा चोरी हो गया? साले, वो मेरे दादाजी को दहेज में मिला था, ऊपर जाके दादाजी को क्या जवाब देंगे? सॉरी जग्गा भाई। जग्गा भाई, इन लोगों का ठिकाना लगाने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रुको अभी। तुम कौन? जग्गा भाई, मैं भोला। भोला, अब देखो मेरा कमाल। चलो अब रास्ता साफ है। काना भाई, हम लोग आपको लेने आए हैं। दुनिया की सारी लड़कियां हैं मेरी दीवानी, ये जानता है सारा जमाना, नाम है मेरा काना। और बताओ क्यों आए हो तुम लोग थाना? काना भाई, आया एक काम जिसमें है मोटा इनाम, चाहिए हम लोगों का आपका सहारा, तभी होगा इनाम हमारा। काम तो हो जाएगा, पहले हमको यहाँ से बाहर निकालो। लुलिया, ताला तोड़ दे। ताला नहीं टूट रहा है। जग्गा भाई, ताला नहीं टूट रहा है। काना भाई, ताला नहीं टूट रहा है। टेंशन मत लो, इसी काम के लिए तो मैं फेमस हूँ। ये है किस्मत की चाबी। देखा काना भाई का कमाल। चलो अब मेरे साथ।
कल सामान पहुंच जाना चाहिए। और हाँ, कल जो मंडी में रेट मराया था उसका पैसा नहीं आया। काना भाई जल्द से भाग गया सर। क्या काना भाई भगा दिया? हाँ सर, चलो काना भाई पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ करेगा। चलो रुको। बहुत दिनों से जेल के खाना खा खा के हो गए बोर, पहले कुछ अच्छा खिलाओ, उसके बाद आगे का काम होगा। खाना भाई वो देखो होटल। चलो वेलकम सर। खाना भाई ये तो इंग्लिश बोल रहा है। माई वाइफ फेस इज करिया, पहले लेके आए थरिया। ओके सर अभी लाते हैं। लीजिए सर खाली प्लेट। सीला इज माई दीवानी, डालो इसमें एक प्लेट बिरयानी। ओके सर। बिरयानी बहुत अच्छा था। इट्स माय प्लेजर सर। चलो सर पैसा। जूलिया पैसा दे रहा, जाके ले लो। पैसा दो सर। पैसा हमको नहीं आपको देना है। हमको देना है? शकल देखे हो? नहीं सर, मेरा बॉस रखता है चाकू, नाम है उसका जग्गा डाकू। आधा पादा और यह है तुम्हारा दादा। यहाँ पे क्या लिखा? लात घुसा होटल। तब पैसा नहीं है तब खाना पड़ेगा। अबे वो कौन है? काना भाई वो तो लुलिया है। हाँ काना भाई लगता रहा है लुलिया है। आओ लुलिया, ये हालत कौन की तुम्हारा रे? वो होटल वाला। oh, shit, oh. आप तो बिरयानी खा के भाग गए काना भाई। हेलो काना भाई, डीलर का फोन है। हेलो जग्गा भाई, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? सारी लड़कियां हैं मेरी दीवानी, ये जानता है सारा जमाना, मैं हूँ काना। तुम काना भाई हो चाहे नाना भाई हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम समय से पहले हो जाना चाहिए। घबराओ मत, समय से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा, बस पैसा तैयार रखना। चलो ठीक है। काना भाई फिर से तुम मेरे सामने खड़े हो, इस बार नहीं बचोगे। इंस्पेक्टर ठीक है बैठ जाता हूँ, बैठ जा रे। मेरा मतलब इस बार तुमको फांसी पे लटका के रहेंगे। इंस्पेक्टर इस दुनिया की सारी लड़कियां हैं मेरी दीवानी, ये जानता है सारा जमाना, और मैं हूँ काना। खत्म कर दो रे।
हवलदार साहब एक बात बताऊं। बोलो। मेरा बंदूक नकली है। What? डाकू भाई मैं भी एक बात बताऊं। बोलो। मेरा भी बंदूक नकली है। बोले थे ना समय से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले पैसा पूरा 50 लाख। चेक करो भेज दिए। मोबाइल चेक कर पैसा। काना भाई आ गया। थैंक्स काना भाई। लोटा लोटा के लिए इतना बड़ा कारनामा? ये कोई मामूली लोटा नहीं है। इसी से मेरे पूर्वज हगने जाते थे और आने वाले 7 पीढ़ी भी इसी से हगेंगे और मैं भी हगूंगा और मेरा बेटा भी हगेगा। What? पापा बहुत जोर से आया टट्टी। लो बेटा लोटा मिल गया। हेलो गाइस, तो गाइस बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसा प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोग प्यार देते हैं इसलिए हम लोग का मेहनत करने का और मन करता है गाइस। तो गाइस जितना ज्यादा आप लोग प्यार देते हैं उतना ज्यादा हम लोग को मेहनत करने का मन करता है। तो प्यार देते रहिए और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग को कमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है। और हाँ गाइस, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले गाइस। हाँ गाइस, तो फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।